अथी खुशी के बात छे कि आ इतना गरीब संघ विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर साहब उपस्थित हुए हैं और जफर यादव जी वो उपस्थित हुए हैं और हमरो ने छोटका आदमी के भी बोल के है ऐसा हम बहुत खुश छे। सबसे पहली बात हम ये कहे चाहबे कि ये कार्यक्रम रखल गेले है खास तौर से किसान के जे पीड़ा छे अखन ना सबसे बड़का परेशानी छे कि ओकरा टाइम पर खाद नहीं मिले छे जकरा वजह से सही से खेत में उपज नहीं भ रहले है और प्लस ई के खाद के बिल्कुल मारा मार छे सब लोग परेशान छे और खास तौर से अपना के ई एरिया में बोकरा नरसिंह गांव पालिका वाला एरिया में 70-80% किसाने से सर्विस वाला जॉब वाला बहुत कम लोग थे गोया के 70-80% अगर किसान छे तो किसान के खेती उपजावे खातिर सबसे अमूल्य चीज खाद छे। अखन का जमाना खाद के बगैर कुछ नहीं हो सके छे लेकिन चूंकि नेपाल सरकार लग खाद के बहुत बड़का अभाव से ओकरा लोग खुदे खाद नहीं छे हमरा तोरा कदा से लग के देते तो ई कोशिश करल गेले है डॉक्टर केदारनाथ जी से जे एकर विशेषज्ञ छे एकर खास माहिर छे डॉक्टर साहब कि ऑर्गेनिक खाद केना बनाल जाए ऑर्गेनिक दवाई केना बनाल जाए जे किसान के फर्टिलाइजर से निकाल के ऑर्गेनिक के तरफ लाल जाए और ओकरा सब जे परेशानी छे जे प्रॉब्लम छे टाइम पर खाद नहीं मिलना खाद के महंगाई बहुत बड़का भाग बहुत बहुत ज्यादा भाग गए वे से मुक्ति करे खातिर डॉक्टर साहब एकटा की कहल जाए से ओकरा की ई रूप में अपना आर के फायदा पहुंचावे वाला के रूप में एकटा हम किसान लग एले है एकरा हमरा तोरा भरपूर तरीका से कदर करे पड़ते है चूंकि टाइम दिल के है डॉक्टर साहब के टाइम अति कीमती टाइम छे अति कीमती टाइम छे अगर हम अकेला आदमी अगर हम 200,000 टका दे के ओकरा कहबे तू हमरा एक घंटा के टाइम दे डॉक्टर साहब नहीं दे सकते हम निजी तौर पर कहते लेकिन चूंकि समाज के भलाई खातिर समाज के बढ़ोतरी खातिर समाज के उन्नति खातिर हम समूह बना के अगर हम डॉक्टर साहब के ये जब्बर यादव जब्बरलाल यादव जी बोलके है तो ये अपन टाइम के कुर्बानी करके अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम से लग और एन बहुत काम से लग लेकिन वो सब चीज के त्याग के हम तो खिदमत में हाजिर बाकी अपन अमूल्य टाइम जी से हमरा तोरा खातिर दिलके है एकरा खातिर हम अपना तरफ से भी और भोकरा नरसिंह गांव पालिका के तरफ से भी हम डॉक्टर साहब के बहुत बहुत धन्यवाद दे ले चाहे छे के अपन कीमती टाइम हमरा दे के हमरा ई चीज एकटा प्रदान करे ले एकटा इल्म प्रदान करे ले एकटा ज्ञान दे ले के खाद केना बनाल जेते फर्टिलाइजर केना बनाल जेते की कहे से खाद ऑर्गेनिक खाद केना बनाल जेते दवाई केना बनाल जेते फल फूल के दवाई केना बनाल जेते उतने फायदा नहीं भए के कि हमर शरीरो जे हम खाद पान खा के जे हम खाद पान खा के की कहे से अपन शरीर के बिगड़ चुका लिए है हर आदमी अपन अपन जायजा लिए कि हम कत्ते हद तक शारीरिक हिसाब से सही ठीक ठाक छे हमरा ख्याल से इतने बड़ा खन हम बैठल छे तो शायद कोई एहन हेतै जे 100% ठीक हेतै नहीं तो कुछ ना कुछ तो लागल हेतै सबके केकरो शुगर के छे केकरो ठंगना के छे केकरो कुछो छे केकरो कुछो छे गोया के हर आदमी परेशान है और वजह यह है कि हम तो ई चीज यूज नहीं करके जहर खा रहल छे बाजार से मार्केट से किन के ला जे छे तो जहर छिटे छे बहुत ज्यादा मात्रा में छिटे छे उ चीज की ऐसे रस से रस रस से रस रस से रस उबी समर शरीर में जाकर हमर किडनी के हमर सेल्स के पूरा डैमेज कर रहले खत्म कर रहले पहिलुका जमाना में ते बीमारी नहीं रहे कथी ले ना रहे कि जो विचार कर लिए हमरा रू नहीं कर लिए कथी ले ना कर लिए कि ज्ञान नहीं रहे लेकिन चूंकि आप ज्ञान ले ले तो अत्य अल्लाह ताला ऊपर वाला तो बुद्धियों दिल के है पहिलुका जमाना में वह लोग रहे वह ने किसी भी रहे यह जगह से भूख रहे थे अत्य लोग बीमार नहीं पड़े थे लेकिन आए हर घर में जब बच्चा में आके पेट में थे तब नहीं सब बीमार गए कथी ले जब अगर बाहर के आबो हवा तो नहीं लागल थे एक तो है से कि चल बाहर के आबो हवा लागल छे ओकरा बाहर के आबो पानी खेने से उ ओकरा चल सर्दी बुखार जुकाम अकड़म मकड़म बहुत किस्म के बीमारी लागे से लेकिन जे बच्चा मां के पेट के अंदर छे ओकरा केना बीमारी लगे
छोटे वाले बच्चे हैं ना, बाहर के पेन खेल के है ना, कोनो हवा खेल के है, लेकिन बीमार के ना भेले। एकर मतलब ई छे कि जे ओकर माय भोजन कर रहले है, खा रहले है, और कथी खा रहले है, वह पॉइजन खा रहले है, जे हम बैगन खेत में छिट लिए है, जे हम भिंडी खेत में छिट लिए है, जे हम आम में छिट लिए है, जे हम और फल फ्रूट में साग सब्जी में छिट लिए है, कतनो धोबे तो वो एक बार में नहीं जेते, वो आके सब्जी बना के या रंगे भी खाचे कच्चे, वो आके हमारे शरीर में जैसे, और उस शरीर के भोजन जिसे वो बच्चा ले के है, और वह वैसे वो बच्चा का इन्फेक्शन बन गया, और कुन उनको बीमारी में वो चल गए। तो भले यार ये बहुत बड़का अनुदान है डॉक्टर साहब के, हम फिर भी अपन अपन तरफ से और हम बुकरा नर्सिंग होम पालिका की तरफ से डॉक्टर साहब के दिल के हृदय से, दिल के अतः गहराई से हम डॉक्टर साहब के और जवाहरलाल यादव जी के हम दिल का था गहराई से इसे ओकर धन्यवाद कहे छे। अब दूसर भाग के तरफ हम चले छे कि डॉक्टर साहब एले है पिठारी से एक बहुत बड़का प्लान लेकर, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्लान छे और हमरा तोरा खातिर बहुत ही लाभदायक छे। ई केना के जे चीज बताल गेल अखन ना बतेलिए है कि अपना जे चीज से परेशान छे किसान, खाद के लेकर, साग सब्जी के लेकर, खाद के महंगाई के लेकर, उस चीज का बिल्कुल 0% पर लग के लगता है डॉक्टर साहब हमारा आपके तालीम देते और बताते। तो हम खुद अपना बता रहे थे कि हमू ऐसा 6 महीना पहले, चूंकि समूह के एक नंगी जन अखन तुरा बैठल छे, अपना बैठल छे लेडीज सबके समूह जे छे वार्ड वार्ड में, उस समूह के कुछ प्रोग्राम रहे। जवाहरलाल यादव जी हमरा बोले के हमू एक स्कूल में टीचर छे, हम टीचिंग छोड़ के इतना चल लिए, जब भी हमरा टाइम मिल ले कुछ पढ़ाबिए, 2 घंटे छोड़ियो के 4 घंटे छोड़ियो के इतना आपका ट्रेनिंग ले लिए। हमरा ये चीज बिल्कुल दिल में लाग ले कि नहीं ये चीज करना चाहिए और किसान के हक में बहुत ही फायदा चाहिए। हम तो खनियों ने ये बात कह लिए रहे कि डॉक्टर साहब फ्री में सोना के ढेला और सोना के पैकेट लग लग के अपना के दे रहे हैं, सोना के पैकेट। अखन तो समझ में नहीं आते अपना के, जो नया आदमी है तो ओकरा समझ में नहीं आते, लेकिन जब ये तालीम लेते खाद केना बनाल जाए और वो कोनो हमरा बाहर से किन्ना नहीं जे सामान, अपने घर के सामान छे, साग सब्जी बनावे छे ओकर बनोन छे, छिलका है छे, पत्ता है छे, कोबी तोबी के, घास पतार के, घास के जे छे पत्ता है छे सुखल, अपन घर में गोबर छे, सब कुछ अपन घर में छे, और हमरा तो झूठ मूठ के परेशान भए के लाइन लग के एकदम जे एकदम दुकान बसमतिया से बॉर्डर के रिक्स खेल के जे छे कहियो साइकिल छिनाय छे, कहियो गाड़ी छिनाय छे, खादो चल जाए छे, अखनो जेल में चल जाए छे, अपन घरे में अपने तरीका से खाद तैयार करू और वह तोरा खातिर बहुत बड़का चीज है, और वह तोरा 100% तो शरीरों खातिर फायदा हेते और अपना के उपजों में भी बढ़ोतरी हेते और अपना बिना कैसे बिना विषादी वाला तब अपना खुद अपन हाथ से अपन प्रोडक्ट के अपना के यूज कर सके छे और बीमारी से मुक्त जा सके छे। ई चीज डॉक्टर साहब हम बोलिए रे के सोना लग के दारा ले अपना के हकीकत में हम एकरा सोने समझे छे, और जब हमरा समझ में आले हम 6 महीना कोशिश कर लिए, 3 महीना कोशिश कर लिए, तखन ना हमर घर में कुंटलो खाद तैयार छे, गोबर के खाद कुंटलो तैयार छे, एक से एक जैम विटामिन तैयार छे, जामन तैयार छे, फंगीनाशक तैयार छे, कीटनाशक तैयार छे, हम खुद बने लिए, अब हमरा ओते टपला खा के और दरवत दे के पैसा खर्चा करे कोनो जरूरत नहीं छे। आज तक तो किनत रह लिए जहर किन किन के लावत रह लिए खत रह लिए, लेकिन आप जब ये इल्म आब गेले है, ये हमरा तालीम मिल चुकले है कि अब हमरा विषादी नहीं खाना छे बल्कि खा वाला चीज खाना छे, ओकरा शुद्ध तरीका से शुद्ध करके खाना छे। तो ई तालीम सीखू बहुत बढ़िया चीज से, हम क्लास छोड़ छोड़ के हम पढ़ावे छे टीचर से बहुत बड़े जाने देते के हम एक मोड़ पर जे एक बड़का मदरसा से जामिया इस्लामिया के नाम से यहां सब सब बड़े जाने देते हम वे के एक टीचर से हां वे के टीचर से वो पढ़ाई छोड़ के हम इतना गति दिन की ट्रेनिंग ले लिए। तकर बाद अपन घर में हम 3 महीना रेगुलर एक समूह बना के गांव के 10 गोड़ा का जमा करके 3 महीना रेगुलर समूह चले लिए। डॉक्टर साहब पूरा पाबंदी के साथ थे, जवाहरलाल यादव जी पूरा पाबंदी के साथ टाइम दिल के, हम वो खातिर सबको धन्यवाद कहना चाहते हैं और धन्यवाद कहते हैं।
अगर करे चाहे तो बहुत ही बढ़िया चीज है और हमरा थोड़ा कोनो परेशानी के जरूरत नहीं पड़ते और अपन घर में तैयार करके अपन चीज से साग सब्जी से हम तो बेहतरीन और बढ़िया से बढ़िया खाद तैयार कर लेवे जो हम हरा सोना घर से किने बाजार तक जाते किने ला हम हरा सोना की हम 100% सोना अपन घर में बना ले। एक तो हम कहनो कहलिए रही बात कहते कि ये डॉक्टर साहब देते यहाँ आरुके का नुस्खा कीमिया देते कथी नुस्खा कीमिया नुस्खा कीमिया केकरा कहे छे कोई बता सके छे अपना में नुस्खा कीमिया एकरा कहे छे एक तो जड़ी है छे एक तो जड़ी क्योंकि आयुर्वेदिक भाषा में नुस्खा कीमिया कहे छे एकरा और वो एहन चीज है छे सब कने मिले छे जेना ई टाइम ई अवसर जे हमरा तरह मिलले कुछ सीखे के गांव में बहुते औरत रहे जिला वाले घूमते रहे ना चाहती ओकरो पकड़ के आन लेती है तो 10 मिनट बैठ जाती है 2 दिन बैठ जाती है लेकिन ओकरा न के तोरा कथी ले मौका मिल ले इस चीज के बनेरा गौर करना पड़ता सोचा पड़ता आवे ले बहुते औरत तैयार है थे लेकिन सबको तो मौका नहीं दे सके छे तोरा ई अवसर मिल ले है ई मौका मिल ले है एकर कदर करे पड़ते तो ई जे नुस्खा कीमिया बतावे खाली डॉक्टर साहब बैठे नुस्खा कीमिया के बारे में हम तक एक बात कह के हम अपन बात खत्म करब नुस्खा कीमिया की चीज है जड़ी चीज वो जड़ी एहन चीज से अगर ई दराज में अगर टच कर दिल जाए ई पूरा दराज सोना दाय तो दराज के अंदर जितनी चीज सब कुछ सोना दाय अगर ई छत के कोनो भी ऐसा लगा देवे टच कर देवे तो पूरा घर सोना के दाय थे नुस्खा कीमिया ओकरा के एहन चीज छे तो डॉक्टर साहब वो नुस्खा कीमिया ले गेले अपना के दे ले कि अपना अगर गोबर में लगा देवे तो जे लोग फर्टिलाइजर में हरा सोना कह के बेचे छे तो अपना रु गोबर वाला खाद के ना हरा सोना कह सके छे लगा के ई अखन ने जे अपना अगर ड्राम के शक्ल में लिक्विड के शक्ल में गुण के शक्ल में या और भी चीज के दही के शक्ल में जे अपना के मिलते अखन ना मिले वाला छे एक जरा अपना देख लियो बैठना ई वन उसका कीमिया छे और अपना जो गोबर में लगा देवे तो वो खाद बन जेते हरा सोना से बढ़ के बन जेते अगर ओकरा कोनो ठीक है से पानी में लगा देवे तो और भी किने की भाई तो सैलरी बन जेते दामन बन जेते और भी बहुत सारा की कैसे जैम बन जेते फंगीनाशक बन जेते और वो भी फ्री में मिल रहा है कोनो हमें इधर खर्चा करे नहीं पड़ते अपन घर के काम काज करते हुए अलग से ओकरा खाली टाइमो दे के जरूरत नहीं छे जे दम गोबर उठल के गोबर हम डायरेक्ट वहां में जाके दे एक तो काम अलग से टाइमो की जरूरत नहीं पड़ रहा है ना एकदम बहुत ही आसान काम और बहुत ही सहज तरीका से ये चीज डॉक्टर साहब यहाँ के बताते और यहाँ आरू बिल्कुल एकदम इत्मीनान के साथ बिल्कुल ध्यान दाकर बिल्कुल एकदम दाकर जब तक कोनो चीज अपन के कुर्बानी नहीं करवे ये चीज से क्या काते तो नहीं सीख सकते ये है इतना ध्यान से हमारे घर में बच्चा काने देते बकरी ठोका लेते बकरी बांध ले लेते तो नहीं सीख सकते सब कुछ कर क्या हुआ खाते 10 बजे खाते दाखिल के लेके यहाँ घर के सारा काम निमटा का हूँ जितने खाए पिए ले देना से अपनों खाए पिए के चला हूँ जितने कुछ खाए पिए ले देना से सब कुछ खाए पिए जाकर आराम से निश्चिंत भाग चला हम उनका का काम फाइनल अब 100% ध्यान आपके यहाँ इतना होना चाहिए कोनो एक तो चीज मिस ना होना चाहिए कोनो एहन चीज ने भाजा के हम कोनो गप में लग गेलिए और एक तो बढ़िया चीज जेना डॉक्टर साहब जो सुनना रहे हमरा के डॉक्टर साहब के हल्के दल के लेकिन हम गप में लग के उठ टाइम का बर्बाद के दलियो और ने सुन सकली ने सीख सकली तखन ना पाजो को बहुत अफसोस है वो अफसोस से बचे खातिर अखन ये समय में गप करू के जे टाइम मिले है वो टाइम का 100% हम बैठना लगे हुए कोनो किस्म के बातचीत ना करबे बिल्कुल एकदम साइलेंट भाग बिल्कुल एकदम चुप भाग बिल्कुल ध्यान दियो जना के बोगला जब मांस पकड़े गए छे ना ओकरा तो बिल्कुल एकदम लागे से कुछ होने से बैठना और मांसो आ के इत्मीनान भ जाए छे क्या बैठना कुछ होने से क्योंकि तो पैन नहीं हिले छे उ मांस बैठना पहुंचे तक कुत्ता बुझा के शिकार करे छे तो एक तो विद्यार्थी के अगर सीखे वाला के बकुल्ले ध्यानन होना चाहिए एक तो मिसाल छे काग चेष्टा बकुल्लो ध्यानन तब उनसे विद्यानन कुछ सिखे चाहिए तो बोगला वाला ध्यान चाहिए बोगला देना शिकार करे खातिर तो ध्यान दा के बड़े जो बिल्कुल नहीं हिले जा वही नहीं किस्म के अपना आर के ई चीज के करके दिखाल जा डॉक्टर साहब का और हम इत्मीनान दिया बच्चे डॉक्टर साहब का कि हमरा आर के तरफ से कोनो किस्म की कमी नहीं हेते और जे चीज यहाँ दे ले लिए है हमरा आर ध्यान पूर्वक उस चीज के दे के कोशिश करवे और इतने करते हुए और डॉक्टर साहब के और जब्बर जी के हम हृदय दिल से फिर
स्वा एक जैसे धन्यवाद करते हुए हम अपन बात के यहाँ खत्म करे छी। धन्यवाद।